नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग MS वर्ड से, और यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लिश विथ ट्रिक ने कमेंट किया है कि लोगों को पेज के बीच में कैसे लगाएं। तो देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि MS वर्ड में अपना लोगो हेडर में कैसे लगाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद इंग्लिश विद ट्रिक ने कमेंट किया कि जो लोगो है, जो MS वर्ड में जो लोगो तैयार किया हुआ है, उसे पेज के बीच में कैसे लगाएंगे। तो बताने से पहले इंग्लिश विद ट्रिक को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया। तो देखिए, MS वर्ड में लोगों को पेज के बीच में लगाना बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 खुला हुआ है। मैं फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 जो है हर टाइप के जो लो कॉन्फ़िगरेशन मशीन है, PC है, लैपटॉप है, सब में ये काम करता है। और यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर एक लोगो मैंने पहले से बना रखा है। अब देखिए, रहा सवाल जब भी आप लोगों को पेज के बीच में ले जाना है। देखिए, अब ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक देखिए पेज के इस ऊपरी हिस्से में है। अब इस लोगो को पेज के बीचों बीच लाना है। तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप लोगो क्रिएट करें, तो जब आप पेज के बीचों बीच किसी भी लोगो को किसी भी जगह पर ले जाना है, तो उसको पहले ग्रुप करना होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखिए, ये जो लोगो देखिए ये अलग पार्ट में बना हुआ है। इसको मैं अगर ड्रैग करता हूँ, ये देखिए ये अलग हिस्सा है, ये अलग है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसका बैकग्राउंड अलग है, मतलब सब अलग अलग है। देखिए यहाँ पे कितने आइटम है देख सकते हैं। एक बैकग्राउंड है, एक देखिए आउटलाइन बना है, प्लस यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, प्लस नीचे ट्यूटोरियल लिखा हुआ है। सब कुछ अलग अलग है, तो अलग अलग है तो सबको ग्रुप करना होगा। तो इसमें ग्रुप करना सिंपल है, बहुत आसान है। आप दो तीन तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए, एक एक करके आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि अगर यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे इस पर क्लिक किया, किसी भी एक फोटो, ये टेक्स्ट है जो भी आपने डिज़ाइन किया हुआ है लोगों के अंदर, तो एक को अगर क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिएगा जो टैब है, यहाँ देखिए फॉर्मेट टैब आपको शो करेगा। तो फॉर्मेट टैब पर आप जब क्लिक करते हैं, तो रिबन के देखिएगा कॉर्नर पोर्शन में आपको अरेंज का ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ देखिए ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ से भी आपको, यहाँ से आप ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले सिलेक्ट करना होगा एक एक करके। तो उसके लिए होम टैब में जब आप क्लिक करते हैं, तो सबसे कॉर्नर पोर्शन में देखिएगा एडिटिंग का ग्रुप दिखाई देगा। यहाँ देखिए सिलेक्ट है। तो बहुत बार ऐसा होता है, सिलेक्ट ऑल से अगर सिलेक्ट करते हैं, या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करके इसे आप सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेक्ट सही से नहीं होता है। तो बेस्ट यही है, एक एक करके आप सिलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जैसे देखिए आप, पहले मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, जैसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट को, जब भी आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, क्लिक किया, देखिए सिलेक्ट हो गया। अब मैं दूसरा, ये जो गौतम कुमार लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है या बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल की दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कीबोर्ड, मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। ये वाला कंट्रोल की यहाँ पे भी है, कंट्रोल की यहाँ पे भी है। तो पहला जो भी आप सिलेक्ट करें, तो पहले आप नॉर्मली क्लिक कर दें, माउस का लेफ्ट क्लिक, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल की दबाइएगा तो छोटा सा आपको प्लस का साइन दिखाई देगा माउस पॉइंटर के साथ साथ। ये देखिए, अब जो गौतम कुमार, उस पर क्लिक किया, फिर जो नीचे ट्यूटोरियल लिखा है उस पर क्लिक किया, उसके बाद ये जो बैकग्राउंड है उस पर क्लिक किया, ये आउटलाइन है उस पर क्लिक किया। करने के बाद बाहर क्लिक, अब छोड़ दीजिए माउस को, माउस को नहीं, वो जो कंट्रोल की जो दबाया है उसको छोड़िए। छोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए सब सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ा मूव करके आप देख लीजिए इस तरह कि हाँ भाई सब सिलेक्ट हो गया है। कि जब मूव कीजिएगा तो आपको पता चल जाता है कि हाँ सब सिलेक्ट हो गया है। आपको सिलेक्शन हटाना नहीं है, सिंपली आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा ऊपर नीचे, तो पता चल जाएगा कि हाँ सब सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट करने के बाद अब इसको ग्रुप करना है। तो जब इस पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको टैब जो दिखाई देगा, तीन टैब इस तरह आपको दिखाई देगा, फॉर्मेट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अरेंज के ग्रुप में जाइएगा, यहाँ पे देखिए ग्रुप है, यहाँ पे अरेंज के, यहाँ पे ग्रुप के डाउन बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ग्रुप हो चुका है, देखिए इसको मूव करके देखता हूँ, देखिए अब सब ग्रुप हो चुका है, देख सकते हैं। या कभी कभी रीग्रुप का भी ऑप्शन रहता है, यहाँ पर रीग्रुप भी कर दीजिए तो फिर से ग्रुप हो ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप हो चुका है। अब ये जो लोगो है, देखिए पेज के ठीक बीचों बीच नहीं है, ठीक ऊपरी हिस्से में देख सकते हैं। अब इसको हमको सेंटर में लाना है, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, पहले पेज को थोड़ा छोटा करते हैं जिससे आप देख पाएँ। तो इसको मैं जूम आउट थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्लिक करके जूम का पेज को यहाँ पर
40% कर दिया, जिससे आप पेज को अच्छी तरह देख पाएँ। देखिए अब ठीक ऊपरी हिस्से में यहाँ पे देखिए मेरा लोगो है, सब ग्रुप किया हुआ है। अब इसको ठीक पेज का बीचों बीच यहाँ पे लाना है, तो इसको सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिएगा राइट हैंड साइड में अरेंज का ग्रुप आपको दिखाई देगा। यहाँ देखिए अलाइन है, अलाइन के डाउन बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए अलाइन सेंटर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर अलाइन में पहले अलाइन सेंटर पे क्लिक करेंगे, फिर अलाइन मिडिल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अलाइन मिडिल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अलाइन मिडिल पे क्लिक करेंगे देखिए ये ठीक पेज का बीचों बीच देख सकते हैं मेरा लोगो यहाँ पे आ चुका है। सिंपल है। यहाँ पे देखिए फिर से मैं बैक जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर था मेरा लोगो, देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पर लोगो था, ये सिलेक्टेड था। उसके बाद फॉर्मेट टैब पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद अरेंज का ग्रुप में गया, अलाइन के डाउन बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर अलाइन सेंटर पर क्लिक किया, फिर अलाइन के यहाँ पे अलाइन मिडिल पे क्लिक किया। ठीक देखिए पेज का बीचों बीच देख सकते हैं मेरे लोगो यहाँ पे आ चुका है। बहुत सिंपल है। थोड़ा सा एक दो बार अगर प्रॉब्लम होता है कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा। अब देखिए पेज के बीचों बीच देख सकते हैं मेरे लोगो यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आपको ये देखना है कि ठीक ये पेज का बीचों बीच है कि नहीं, ये भी देख लीजिए। दिखाता हूँ मैं एक और तरीका। यहाँ इंसर्ट पे, इंसर्ट का जो बटन यहाँ पे दिया हुआ है इस पर क्लिक किया मैंने। एक देखिए यहाँ पे मैं शेप्स में जाता हूँ, एक सिंपल सा देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल बॉक्स ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे पेज के देखिए इस हिस्से में मैंने इसे एक नॉर्मल सा देखिए स्क्वायर बॉक्स बनाया। अब इसको ठीक हम सेंटर में लाना है, पता चल जाएगा कि हाँ इस सेंटर में मेरा लोगो आया है कि नहीं। देखिए इसको सिलेक्टेड है। उसके बाद फॉर्मेट में जाते हैं, उसके बाद अरेंज का ग्रुप में गया, यहाँ अलाइन में जाते हैं हम लोग। यहाँ पर अलाइन में देखिए अलाइन सेंटर पर क्लिक किया, देखिए ठीक यहाँ पर बीच में आ गया, हॉरिजेंटली बीच में आया। फिर अलाइन में जाते हैं, ये हो गया अलाइन सेंटर। फिर यहाँ पे अलाइन मिडिल पे क्लिक कर देते हैं। देखिए ठीक अलाइन मिडिल पे जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए स्क्वायर बॉक्स देखिए ठीक मेरे लोगो के ऊपर आ चुका है, एकदम पेज के बीचों बीच देख सकते हैं ये स्क्वायर बॉक्स आ चुका है, देख सकते हैं। तो इसे ये भी पता चलता है कि हाँ ये जो लोगो बना है मेरा ठीक देखिए ठीक बीचों बीच यहाँ पे पेज के बीचों बीच आ चुका है। तो इस तरह हम लोग लोगों को पेज के बीचों बीच लाते हैं। तो अभी आपने देखा कि लोगों को हम लोग कैसे पेज के बीचों बीच लेकर आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ग्रुप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो आपको ग्रुप अच्छी तरह से कर लेना होगा लोगों को। और एक बात का और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो अरेंज का ग्रुप है यहाँ पे, यहाँ अलाइन में जब भी आप यहाँ पे जब भी आप अलाइन करें तो एक बात का ध्यान रखिए, इसको अलाइन टू पेज यहाँ पे इसको ऑन रखिएगा। अलाइन टू पेज ये ऑन होना चाहिए। पहले इसको क्लिक करेंगे फिर अलाइन मिडिल में क्लिक कर देंगे तो पेज के बीचों बीच कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, चाहे आपका लोगो रहे, सर्कल रहे, सब पेज के बीचों बीच उसे ला सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।